के साथ और सुप्रभात छत्तीसगढ़ में विस्तार पूर्वक छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और शुरुआत करेंगे सियासी संग्राम की खबर से। दरअसल बिलासपुर के साइंस कॉलेज का मैदान पूरी तरह से सज चुका है और इंतजार है तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आज प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी इसे भव्यतम बनाने की कोशिश में है। इस सभा को भव्य ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली में बिलासपुर संभाग के सभी तकरीबन 20 से ज़्यादा विधानसभा सीटों से 1,00,000 से ज़्यादा लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। क्योंकि ये साइंस कॉलेज मैदान जहां लोगों को एक साथ बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और करीब करीब 1,00,000 से ज़्यादा लोगों के तो बैठने की व्यवस्था है, फिर खड़े होने और फिर और भी अगर लोग आ जाते हैं तो वहां पर व्यवस्था डोम के बाहर भी की गई है ताकि लोग वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन सकें। पार्टी का यह दावा है कि मोदी की इस रैली के बाद सूबे की जो सियासी हवा है ललित वो बदल जाएगी और वो बीजेपी के पक्ष में आ जाएगी। और अगर उनके कार्यक्रम की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री मोदी इस सभा में शामिल होने के लिए सुबह 11:45 पर दिल्ली से उड़ान भरेंगे। 1:30 बजे राजधानी रायपुर वो पहुंचेंगे। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए 2:20 पर बिलासपुर उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3:50 पर बिलासपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। रायपुर से शाम 4:50 पर विशेष विमान के जरिए दिल्ली के लिए वे रवाना हो जाएंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में किसी भी वक्त तब्दीली हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को देखते हुए। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, दरअसल ये जो यात्रा निकाली गई थी परिवर्तन यात्रा, दो छोर से परिवर्तन यात्राओं का यहाँ पर संगम होगा और इस संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। चूँकि आज यहाँ पर समापन भी होना है और दो यात्राएं आकर यहाँ मिलेंगी, परिवर्तन यात्रा, जिस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सत्ता के परिवर्तन का दावा भारतीय जनता पार्टी लगातार हर मंच से कर रही है। और आज का जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का वो आपको हम बता रहे हैं, लेकिन जैसा ललित ने जिक्र किया, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय है और ऐसे में कुछ भी बदलाव लास्ट मिनट लास्ट मोमेंट पर हो सकता है, स्वाभाविक है। क्योंकि ज़्यादा जो प्रतिशतता है वो संभावना है इसी की कि जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसी के अनुसार चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि मौसम भी कुछ इसी तरह से हो रहा है कि उसमें बारिश होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही है। हालांकि जो पूर्वानुमान है उसमें बारिश होने की संभावना कम है, लेकिन अगर कुछ बदलाव होता है तो उस पर भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार इस खबर पर भी नजर बनाए हुए है और पूरी तैयारी यहां देखिए साइंस कॉलेज मैदान में हो चुकी है। भव्य मंच तैयार है और रंगोली के रंगों से भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, कमल का फूल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए वहां पर पोस्टर्स बैनर्स लगा दिए गए हैं और साथ ही पूरी सुरक्षा यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी होने के बाद बड़ी संख्या में जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। और बढ़ते आगे, दिल्ली में पिछले दिनों एक ज्वेलरी शॉप में हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले का